इंदौर के कोरियोग्राफर ने वीडियो वायरल कर एसडीएम को धमकाया। 2.5 साल के बच्चे को बेचने की धमकी पर कोर्ट ने जारी किया था नोटिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इंदौर में एक 25 वर्षीय महिला ने अपने कोरियोग्राफर पति के खिलाफ घर से निकालने और 2.5 साल के बच्चे को जबरन अपने पास रखने का आरोप लगाते हुए एसडीएम से शिकायत की। मामले का संज्ञान लेते हुए एसडीएम और मजिस्ट्रेट ने आरोपी कोरियोग्राफर को नोटिस भेजा। इसके बाद आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर नोटिस भेजने वाले एसडीएम और मजिस्ट्रेट को अपशब्द कहने का मामला सामने आया है। मामले में जब वीडियो एसडीएम तक पहुंचा तो उन्होंने पुलिस से आरोपी को उनको कोर्ट में पेश करने के लिए कहा। इसके बाद बच्चे की कस्टडी लेकर उसे मां को सुपुर्द किया गया। बताया जा रहा है कि कोरियोग्राफर सोनी टीवी के इंडियाज बेस्ट डांसर में टेरेंस लुइस की टीम में भी काम कर चुका है। नोटिस मिलने के बाद ट्विटर पर डाला वीडियो, पत्नी को भी भेजा। कोरियोग्राफर नोटिस मिलने के बाद काफी गुस्सा हुआ। उसने मोबाइल से एक वीडियो बनाया जिसमें उसने एसडीएम के साथ मजिस्ट्रेट और कोर्ट को लेकर भी अपशब्द कहे। ये वीडियो उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के साथ ही पत्नी के मोबाइल पर भेज दिया। पत्नी ने वकील के माध्यम से एसडीएम को वीडियो से अवगत कराया, जिसे उन्होंने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मानकर सर्च वारंट जारी कर दिया। इस मामले में एसडीएम घनश्याम धनगर का कहना है कि मैंने पुलिस बुलवाई थी, लेकिन आदमी थोड़ा साइको टाइप का है, इसलिए उस पर कोई पुलिस केस फाइल नहीं किया। टीआई के आदेश पर वरिष्ठ महिला आरक्षक ने दी दबिश। एसडीएम ने तूकोगंज टीआई जितेंद्र यादव को आरोपी को उनके समक्ष पेश करने का आदेश दिया। टीआई ने वरिष्ठ महिला आरक्षक मालती को हवा बंगला इलाके में कोरियोग्राफर के घर भेजा। यहां से बच्चे को लेकर महिला पुलिसकर्मी एसडीएम के सामने पेश हुई। 2.5 साल के बच्चे से पूछा गया कि उसे किसके साथ रहना है। इस दौरान उसने पिता के शराब पीने और धमकाने की बात करते हुए मां के साथ रहने की बात कही, जिसके बाद बच्चे को मां को सुपुर्द कर दिया गया। सोनी टीवी के इंडियाज बेस्ट डांसर में कर चुका है काम। कोरियोग्राफर पूर्व में भी धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुका है। एक संस्था के माध्यम से जमीन धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने उसे जेल भेजा था। वहीं सोनी टीवी पर आने वाली इंडियाज बेस्ट डांसर में टेरेंस लुइस की टीम में काम करने के साथ कई महीनों तक वो मुंबई में भी रहा। वह अपनी पत्नी से 15 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा था। पैसे नहीं देने पर बेटे को बेचने की धमकी दे रहा था। इससे घबराकर पत्नी वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे के पास पहुंची और मामले में एसडीएम से गुहार लगाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।